शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। महोबा में त्रिस्तरीय पंचायत के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मतदान को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिला। जैतपुर जिला पंचायत सदस्य व दो ग्राम प्रधानों के भाग्य का फैसला पेटियों में कैद हो गया। आपको बता दें, महोबा जिले की जैतपुर जिला पंचायत सदस्य पनवाड़ी ब्लॉक के अमानपुरा व कबरई के रायपुरा खुर्द ग्राम प्रधान की सीटें रिक्त हो गई थी, जिसके उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव को लेकर 43 बूथों में 172 कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वही जिला पंचायत सदस्य के लिए चल रहे उपचुनाव में जैतपुर विकास खंड के टिकरिया गांव में स्थानीय समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसको लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार भी किया। वहीं एसडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को मनाने में जुट गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने मतदान करना शुरू किया। सर, आपका नाम क्या है और आप किस पद पे हैं और अभी तक कितनी वोटिंग हुई है? सर, हम प्रथम मतदान अधिकारी हैं और अभी तक जो है 335 वोटिंग हो चुकी है। टोटल कितनी थी? टोटल है 735 वोटिंग। अच्छा अच्छा, का क्या नाम है? मेरा नाम जीराम है। अच्छा। और मैं यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट के पद पे तैनात हूँ और ये तीन गाँव है मेरे, भोजपुरा, मानपुरा और गढ़ेगा। इसमें टोटल वोटिंग भोजपुरा में 803 है, एक बायां जो हमारा वोटिंग सेंटर है उसके, और दाएं में 734। तो इनमें से जो भोजपुरा बाएं वाले में 69 वोट पड़े हैं और दाएं वाले में 202 वोट पड़े हैं। अमानपुरा में अभी तक जो है 229 वोट पड़ गए हैं, जहां पर टोटल वोटिंग 735 थी। और गढ़ोरा में टोटल वोटिंग 836 है, जिसमें अभी तक 212 वोट पड़ चुके। महोबा से केकेडी न्यूज़ संवाददाता पवन रावत की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए केकेडी न्यूज़।